राजकीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर मेरे जैसे कई लोग अधिकारी बने। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र ही हर क्षेत्र में बाजी मारे, ऐसा आवश्यक नहीं। लगन और सच्ची मेहनत से किसी भी लक्ष्य को भेदा जा सकता है। आह्वान जनकल्याण एवं सेवा समिति के स्थापना दिवस एवं संत दुलाराम कुलरिया की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर अग्रवाल फार्म स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्कूल बैग एवं स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी फारूक आफरीदी ने यह बात कही। आफरीदी ने संत कुलरिया का स्मरण करते हुए कहा कि संत दुलाराम कुलरिया का संपूर्ण जीवन गौसेवा एवं मानव सेवा को समर्पित रहा। उनसे प्रेरणा लेकर हमें पीड़ित मानव की सेवा करनी चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी निदेशक बीएल सैनी ने कहा कि स्कूल के स्टूडेंट्स को मेरी ओर से जल्द ही चंदा मामा चंपक एवं कॉमिक्स उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए बजट में बाल साहित्य अकादमी खोलने की घोषणा कर बच्चों के प्रति विशेष अनुराग को व्यक्त किया। संभवतः अगले वर्ष से ही बाल साहित्य अकादमी का शुभारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर आह्वान संरक्षक एवं ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव रमेश ओझा, संस्था कोषाध्यक्ष प्रमोद खत्री, समाज सेविका बिल्किश सुशीला शर्मा, मंजू शर्मा, समाजसेवी ब्रिजेंद्र चौधरी, फिरोज आफरीदी, मकसूद खान, योगेंद्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ नागरिक सईद शेख और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र कैवलानी ने मंच संचालन किया।